ओम शांति। 2 सितंबर 2020 साकार मुरली। सबसे पहले आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाप समझाते हैं कि अंदर उछल आती रहे कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें। समझाना चाहिए सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा, तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। बाप अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। या बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। एक भी दिन एक समान नहीं होता, या ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाई सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हर्ट फेल मत हो। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। अपनी संभाल करते रहो, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है, तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गंवाना है। माताएं कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वो सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। उत्तर, तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़ें, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। या बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। नंबर 2, या रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें।
घर का रास्ता बताएं। आज का वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार है, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर हो रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो, जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ओम शांति।